कंप्लीट रेडी करके मैं आपको दिखाता हूँ। हमारी देखिए एक ही चिड़िया बची है यार, कितनी प्यारी है यार, ये बहुत खूबसूरत है। ये हमारा हो गया है फिश एक्वेरियम रेडी। ये वाली फिश इसको काट रही है। तो यार हमारी डब कितनी प्यारी लग रही है ना हमारे इसके अंदर यार, मगर समझ नहीं आ रहा यार इसको हम लोग इधर ही रखें या हम लोग इसको चेंज करें जगह, वो हमें समझ नहीं आ रहा। और हमारी एक चिड़िया बची है, खाली एक चिड़िया हमारी कल उड़ गई थी। जिसने नहीं देखा वो जाके कल वाली हमारी वीडियो देखे, उसने हमारी चिड़िया दोनों ही उड़ी थी, एक उड़ के चली गई इधर, वो निकल गई उधर, और दूसरी चिड़िया जो उड़ के अंदर चली गई थी इधर कमरे के अंदर। तो भाई बड़ा मजे का ब्लॉग था कल का, जिसने नहीं देखा वो जाके जरूर देखे। और ये देखे यार, ये 5 दिन पहले हमने इसमें बाजरा डाला था, ये 5-6 दिन में देखे कितनी सारी इसमें घास आ गई है यार। हमारे तोतों ने जितने भी पौधे थे ना वो तो सब खा गए, ये हमारी जो चिड़िया थी ना वो थोड़ी अच्छी निकली और उसने नहीं खाया। उसके बदले में यार अच्छा खासा भी ये पौधा चल रहा है, मगर ये कि ये लोग भी थोड़े थोड़े पत्ते तोड़ तोड़ के लेके जाते रहते। हमारी देखिए एक ही चिड़िया बची है यार, कितनी प्यारी है यार, ये बहुत खूबसूरत है। और इसके आने से ना पिंजरे में थोड़ी रौनक हो गई हमारे, वरना यार बहुत अजीब सा लग रहा था यार। पता नहीं क्या चक्कर है इस पिंजरे में, जो भी चीज ला रहे हैं वो रुकी नहीं रही, कभी ये पिंजरे में से खुल के निकल जाती है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, मगर इसमें रह ही नहीं पाते। थोड़े दिनों में जानवर हमारे परिंदे जो है ना उड़ जाते हैं यार, निकल जाते हैं, पता नहीं कहाँ चले जाते हैं यार। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। तो भाई कैसे आप लोग, खैरियत से हैं? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो भाई आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लग रही थी यार, जल्दी से कमेंट में बताया करें यार। सबसे पहले आप एक काम कर दें, जल्दी से जाएं लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट मस्ट कर दे यार, हमारे लिए कर दे यार, हमारे बर्ड्स के लिए कर दे यार। कितना अच्छा लगाया है यार, हमने अपने मिनी केज में ना ये डब ला के छोड़ दिए हैं, और अभी हम और भी एक चीज लाएंगे यार, वो भी इसमें हम ला के छोड़ेंगे। तो यार कुछ इस तरह से मैं तो सोच रहा हूँ यार, इनको भी ना हम अपने मिनी केज के अंदर ही छोड़ दें, ताकि ये अच्छा लगेगा। तो यार अब जाके हम लोग करेंगे अपने जो एक्वेरियम लेके आए हम, बहुत क्यूट एक्वेरियम लेके आए, आपने देख लिया होगा थंबनेल में, तो बहुत क्यूट एक्वेरियम लेके आए हम, उसको जाके अब रेडी करते हैं, पूरा तैयार करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ यार लगेगा कैसा। हम अपने ना बड़े वाले फिश टैंक के लिए ये लेके आए थे यार, एक भाई ने कमेंट करके बोला था कि यार इनको छुपने के लिए थोड़ी जगह तो दे मछलियों को, तो मैं उनके लिए ये लेके आया हूँ। ये मैं अभी अपने फिश टैंक में रखूंगा यार, इनको धोते हैं, और फिलहाल हम अपनी दूसरी फिश जो लेके आए ना हम उसको इसमें खोल के रखते हैं, पहले इसको हम धोते हैं उसके बाद फिश टैंक रेडी करते हैं, वो दिखाता हूँ मैं आपको। यार इन पत्थरों को ना इस वजह से धोना पड़ेगा क्योंकि यार इसमें होती है मिट्टी बहुत ज्यादा, तो उसको निकालने के लिए हमने अपना ये तो धो के रख दिया यार। ये असल में जो ना ये एक ट्री है, ओरिजिनल मतलब लकड़ी ही है ये, मतलब पत्थर का डिजाइन ही है, तो ये इस तरह से है। तो यार अभी इसको हम पहले धो लेते हैं अच्छे से, और उसके बाद में आपको फिश एक्वेरियम में डाल के दिखाता हूँ। हमने इसको धो दिया है, अभी इसमें से पानी थोड़ा गिर रहा है, तो हम इसको इधर ही छोड़ देते हैं। हम अपनी मछलियों को ना शिफ्ट करते हैं फिश टैंक के अंदर, और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ लग कैसे रहा है। तो भाई हमने अभी फिलहाल अपनी फिश को ना यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है, और अभी यहाँ रखते हैं। और मैं आपको ये कह रहा था ना, मैं एक पौधा लेके आया हूँ यार, ये बहुत क्यूट सा है यार, बहुत अच्छा लगेगा हमारे इस वाले फिश टैंक के अंदर। अभी मैं इसको रेडी कर रहा हूँ, पूरा कंप्लीट रेडी करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो यार ये वाला पौधा हम इसमें डालेंगे, और पत्थर भी हम उस छोटे वाले एक्वेरियम के अंदर डालेंगे। अरे तुम्हें क्या हो गया, भूख लग गई क्या? आ जाओ दिखाओ, बताओ जल्दी आ जाओ। हाँ यार इनको भूख लग गई है यार, अभी सुबह ही तो उठ के मैंने इनको खाना डालता, अभी फिर इनको भूख लग गई है। चलो मैं इनको पहले खाना डालता हूँ, उसके बाद फिश टैंक को रेडी करता हूँ। आ जाओ, ये लो, ये रहा खाना, आ जाओ, थोड़ी सी फिश इधर भी आ जाओ, दो तरफ खाना डाल दिया, लड़ना नहीं है, फटाफट से खाना खा लो। और अभी हम अपनी इनमें से कुछ फिश को ना निकाल के इस वाले में डालेंगे। तो भाई देखे आज का व्लॉग बहुत मजे का होने वाला है, और जल्दी से आके लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जल्दी से कर डाले। और ये हमारे ट्री को यार करीब से देख ले यार, कितना अच्छा लग रहा है ना, इसके अंदर आके मछली यहाँ भी छुप छुप जा रही है, इधर छुप रही है उधर छुप रही है। और हम दूसरा भी चीज हम एक लेके आए हैं, ये भी हम इसके अंदर अभी डाल देंगे, ताकि हमारा एक्वेरियम के अंदर जगह हो जाएगी फिश छुपने की। देखिए इसके अंदर काफी जगह भी है, तो यार इसके अंदर फिश जाके आराम से छुप सकती है, अगर ये बच्चे भी देते हैं तो वो इसके अंदर देंगे, और अंदर ही बच्चे सही रहेंगे, ताकि दूसरी फिश खा ना सके उनको ना। चले यार अब इसको हम डाल देते हैं, सारे पत्थर इसमें डाल देते हैं, चला जा यार। मैं आपके व्हाइट लेके आया पत्थर, मैंने कहा यार व्हाइट सही रहेंगे, तो
मैं अभी आपको ढाल के दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखिए, मैं इनके लिए ना व्हाइट पत्थर लेके आया था, मगर इसमें कचरा कहाँ से आ गया यार, इतना अच्छा खासा कचरा अंदर घूम रहा है यार। अभी तो पूरा तो धोया मैंने, फिर भी इतना कचरा आ गया यार। इसमें इतना सारा कचरा आ गया ना, मैं पहले इसको निकालूं पानी को, और बल्कि इसका पानी ही चेंज कर देते हैं, और उसके बाद मैं इसमें फिश डालूंगा। और जो पौधे लेके आया हूँ ना वो, और थोड़ी चीजें और भी है, वो भी इसमें डाल के दिखाता हूँ आपको। हमने इसका भी पानी चेंज कर दिया, दूसरा कर दिया, मगर अभी पानी गर्म है, क्योंकि आपको पता है ना यूएई में थोड़ा पानी गर्म आता है, तो ये अभी गर्म है। इसका टेम्परेचर भी हम थोड़ा वेट करेंगे, थोड़ा सा ठंडा हो जाए, उसके बाद इस वाली फिश को इसी पानी के साथ हम इसी में डाल देंगे। तो यार मैं दिखाता हूँ अभी आपको, रुके। मैं क्या सोच रहा हूँ, थोड़े से पत्थर यार अपनी इस वाली फिश में भी डाल देते हैं इधर यार, अच्छा लगेगा। तो यार डाल के देखते हैं कैसा लगेगा। थोड़े से पत्थर इधर डाल देते हैं, फिश नए पत्थर आ गए, ये देख लो, तुम्हारे लिए भी लेके आए हम यार। थोड़े बहुत डाल दिए मैंने ताकि यार अच्छा लगे। यार अब हम अपनी फिश टैंक में ना ये डाल देते हैं यार। हम सोच रहे हैं कहाँ पे रखे यार, वो समझ नहीं आ रहा। ये इसको हम सोच रहे हैं कि इधर रखे। हाँ जनू एक मिनट बेटा, क्या हुआ? अरे तो को लड़ ले तो हवा, अरे हवारा तो ये रुकी नहीं रहा, क्या हो गया, क्यों लड़ रहे तोते? पता नहीं क्यों, देखे जाके आप इसको। ये यार इसको हमने लगाना यार, तोते क्यों लड़ रहे हमारे? अभी चलो मैं पहले यार जल्दी जल्दी। अरे रुक तो जाओ, मेरा फिश टैंक ही दिखा रहे तेरे। अजीब यार, चलो पहले अब तोते को देखते, वो क्यों लड़ रहे यार, समझ नहीं आया। तो यार जैन बता रहा था यार, ये तोते हमारे आपस में लड़ रहे बहुत रहे। मैं अच्छा वाला एक्वेरियम सेट कर रहा था, तो बोलता है ये इनसे, डव से इनकी लड़ाई हो गई थी। डव जो है ना वो इनके घोंसले में चली गई थी, तो इसकी वजह से ये लड़ाई इतनी ज्यादा हो गई थी, एक शोर मचा हुआ था। तो मैंने जैन को बोला, मैंने जैन जाके देखो हुआ क्या है। देखा तो भाई यहाँ पे तो सब लड़ रहे आपस में। तो अभी आके इनका मैंने फड्डा खत्म करवाया है, मैंने छुड़वाया है आके, कि भाई फड्डा क्यों कर रहे हो तुम लोग। तो भाई अभी फिलहाल जो है वो सही हो गए, तो अब हम वापस चलते हैं अपने एक्वेरियम की तरफ। यार एक्वेरियम को हम जाके जल्दी सही करते। लो भाई तुम दोनों को क्या हो गया, तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो भाई? क्या, अरे इनको क्या हो गया, आपस में लड़ रहे हैं भाई, क्या हो गया कबूतर, क्यों इस तरह कर रहे हो? हैं यार हमारी ये चिड़िया यार, अभी भी अफसोस हो रहा है मुझे यार, हमारी ये चिड़िया क्यों उड़ गई यार। और हमारी बटेर बटेर क्या हो गया, क्यों आवाजें दे रहे हो तुम, हैं क्या मसला है? अभी तुम्हें खोला था ना इतनी देर, अब फिर तुम्हें पिंजरे से बाहर आना है, बोलो। ये हमारा हो गया है फिश एक्वेरियम रेडी। यार कितना क्यूट सा है ना, छोटा सा एक्वेरियम है यार। यार हमारा ये रेडी हो गया है, और पानी का टेम्परेचर भी तकरीबन ठीक हो चुका है। यार अब हम इन फिश को ना इस एक्वेरियम के अंदर डाल देंगे। हमारा जो वुडन का पीस है ना, वो तो देखे बस हवा में ही तैरता फिर रहा है यार। आधे घंटे का बोला था उसने कि आधे घंटे के बाद ये बैठ जाएगा नीचे, मगर यार तकरीबन एक घंटा तो हो गया यार, ये अभी तक वहीं अटका हुआ है। तो समझ नहीं आ रहा अभी, पता नहीं और कितना वेट करना पड़ेगा। अगर ये सही हो जाता है ना तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ नीचे रख। चले भाई, अब फिश का टेम्परेचर बिल्कुल सही हो चुका है। तो यार अब हम इसमें से निकाल देते हैं और इसमें डाल देते हैं। हमने इसका फेस खोल दिया, तो इसमें यार फटाफट डाल देते हैं। अरे इधर इतना खड्डा क्यों हो गया, मैं इसको सही करता हूँ, और हम अपनी फिश को अब इसमें डाल के आपको दिखाते हैं कि लग कैसा रहा है। चलो चलो फिश, आ जाओ आ जाओ, जल्दी आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये लो न्यू घर तुम्हारा, ये लो, ये तुम लोगों के लिए बनाया है, आ जाओ। न्यू घर है तुम्हारा यार, ये तुम लोगों के लिए बनाया है, आ जाओ जल्दी से आ जाओ। एक और भी फिश है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या हो गया, नहीं जाना उस वाले घर में, बड़े वाले घर में नहीं जाना, आ जाओ। तो भाई आ जाओ, तुम भी आ जाओ इधर, ये लो निकलो बाहर। तो यार कैसा लग रहा है ये हमारा एक छोटा सा एक्वेरियम, कमेंट में जरूर बताइएगा यार। और इसकी लाइट ये कर देते हैं, अरे लाइट क्यों नहीं बंद हो रही इधर से इस। तो भाई ये देखें कैसा लग रहा है हमारा ये वाला फिश एक्वेरियम। यार तकरीबन डेढ़ घंटा हो गया यार ये हवा में ही है। और मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, हमारे जैक का दोस्त आ गया, जैक की और जैक का दोस्त ये देखे खाना खाने आ गए। जैकी जैकी तुम्हें भी बाहर निकाल लू क्या, देखना तुमने कब अपने दोस्तों को, तुम्हारे दोस्त आ गए। यार इसके पाँव में ना पता नहीं क्या हुआ है, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि इसको यार मैं पकड़ के इसका पाँव सही करूँ। इसके पाँव पे बहुत सारी चोट लगी हुई है, धागा सा बंधा हुआ है, और इसका बेचारे के जो है वो फिंगर एक जो है वो कट चुकी है, और बाकी फिंगर देखें किस तरह से सूजी हुई है ये देखें। तो यार मैं समझ नहीं आता मैं इसको किस तरह पकड़ूँ, क्योंकि बहुत स्पीड है, मैं कोशिश की मगर ये मुझे पकड़ में नहीं आए। अगर ये आ जाता तो यार मैं इसका पाँव सही कर दूँ थोड़ा बहुत। हमारी डव को देखे कितनी नवाब बनी है, यहाँ बैठ के आराम से खाना खा रही है। अरे भाई प्याले में से तो बाहर निकलो, दूसरों को खाना नहीं खाना, तुम खाना खाती रहोगी क्या? देखो कितने आराम से बैठी है इसके अंदर ये, हैं क्या चक्कर है भाई, बाहर निकलो
तो आपको हमारा आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और सबसे ज्यादा यार ये जरूर बताइएगा कि यार हमारे फिश टैंक कैसे लग रहे हैं। दो दो फिश टैंक हो गए माशाल्लाह हमारे पास, एक बड़ा हो गया एक छोटा हो गया। यार इनमें से देखते हैं जो मछली इनके साथ रह सकती होगी ना हम उनको इसमें डाल देंगे, थोड़ा बहुत देखेंगे यार, अभी पता नहीं है यार, हम पूछते हैं फिश वाले से। फिश वाले ने बोला था हमें कि ये वाली फिश रह लेगी इनके साथ, मगर मसला क्या हो रहा है मैंने डाली थी फिश इनके साथ तो ये इसको काट रही है, तो हाँ नहीं उल्टा हिसाब हो गया है, ये वाली फिश इसको काट रही है, तो मैंने भी डाली थी ना एक फिश तो ये दोनों इसके पीछे पीछे भाग रही थी और इसको काटने की कोशिश करती। अरे गलती हो गई, मैंने रिकॉर्ड करके दिखा भी देता, लोग और भी कमेंट करके मुझे बताते कि यार क्या हो रहा है। तो खैर फिलहाल इस ब्लॉग को हम यहीं पे करेंगे एंड। जाने से पहले सबसे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर दें, बहुत सारे कमेंट कर दें, फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। करे हमारा ये लकड़ी का पीस था ना ये पानी के अंदर बैठ गया है, वरना तो ये हवा के अंदर उड़ जा रहा था, यहाँ पे उड़ रहा था बस ये, और शुक्र है कि ये हो गया, क्योंकि अब देखें आप फिश जो है ना इसके नीचे जाके अब छुपना शुरू हो चुकी है, काफी सारी फिश ऐसी हैं जो कि नीचे जा रही है और फिर यहाँ पे बैठी रहती है। यार हमारी कुछ फिश जो है ना वो मर गई यार, पता नहीं इनको अचानक क्या हुआ, जो हमारी ये गप्पी फिश थी ना ये तीन चार एक साथ मर गई है, शायद पानी खराब है इसकी वजह से या पता नहीं क्या वजह है। We'll be right back.